सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी पर मुशावरा जारी है। दोनों जमातों की राबता कमेटियों के मुज़ाकरात का पांचवा दौर बेनतीजा खत्म हो गया। सेनेटर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर इजलास में मुख्तलिफ तजावीज पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी के वफद में मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, जबकि लीगी वफद में इसहाक डार, आजम नजीर ताड़र, अयाज सादिक शामिल थे। राबता कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। लीगी रहनुमा आजम नजीर ताड़र ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत से मुतालिक कुछ चीज़ें तयशुदा हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी पर मुशावरा जारी है। दोनों जमातों की राबता कमेटियों के मुज़ाकरात का पांचवा दौर बेनतीजा खत्म हो गया। सेनेटर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी के वफद में मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, जबकि लीगी वफद में इसहाक डार, आजम नजीर ताड़र, अयाज सादिक शामिल थे। राबता कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। लीगी रहनुमा आजम नजीर ताड़र ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत से मुतालिक कुछ चीजें तयशुदा हैं।